यो तो कैसे हो सब। तो बड़े लंबे टाइम के बाद हम लोग फाइनली आ चुके एक और न्यू वीडियो लेकर। तो आज ही वीडियो में हम लोग करने वाले आप ऐसे M1040 में ग्लोरी टॉप 1 पुशिंग। तो वीडियो को पूरा इन तक जरूर बात करना क्योंकि वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा और बीच में तो आपको ऐसा ऐसा क्लिप दिखाएंगे आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे कि भाई ये बंदा गोया कैसे निकाल लिया। तो हम लोग आ चुके हैं इंडिया सर्वर की आईडी में और हम लोग सबसे पहले यहाँ पास M10 का स्कोर देख लेते हैं जो कि भाई सबसे नीचे वाला होगा। तो यहाँ पर से हम लोग फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं M10 मुंगेर और यहाँ पर देख सकते हो 3672 है लास्ट का स्कोर, मेरा यहाँ पर से 2000 ही है। तो हमको जल्दी से प्लस करना पड़ेगा वरना फिर ये लोग और ऊपर चले जाएंगे। बाकी टॉप वन का स्कोर देख सकते हो 11,011 है। और चलो फिर देख लेते हैं इंडिया के लिए कितना चाहिए। तो इंडिया के लिए हम जैसे डाउन करते तो भाई कुछ ज़्यादा ही स्कोर चाहिए, यहाँ पर से देख सकते हो 24,000 स्कोर चाहिए। तो चलो फिर आज की वीडियो में इसको प्लस करते हैं। बाकी गाइस सभी लोग यहाँ से वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का गेम नंबर 1 में यहाँ पास मेरा 0 किल है और अभी हम जस्ट लैंड किए। मेरे सामने यहाँ पास आर्सेनल होता है और वहाँ पर कुछ बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं। मेरे को M10 मिल चुकी है और ये दोनों बंदे आपस में यहाँ पर से उसके बाद क्या था इन दोनों के पार्टी में हम लोग यहाँ पास घुस जाते हैं और एक बंदा तो भाई मेरे मुंह पे ही आता है मेरे साथ पार्टी करने के लिए। तो बंदे को यहाँ पास मार के फिनिश करते हैं, ओरिन बनते हैं और उसके बाद यहाँ पास ये बंदा ना ट्रू गन लेके मेरे पास आ रहा था। तो बंदे को यहाँ पास 2-3 गोली मारते हैं और ये दोनों बंदे को यहाँ पास जन्नत का रास्ता दिखा देते हैं। भाई सच बताए तो वो ट्रू गन वाला बंदा ना मेरे को ऑलमोस्ट खत्म ही कर देता अगर यहाँ पास हम सही टाइम पे उसको नहीं मारते, क्योंकि भाई ट्रू गन काफी डेंजरस गन है और भाई मेरे पास वेस्ट भी ज्यादा लेवल का नहीं है। 3 लेवल के वेस्ट पे हम क्या ही फाइट करेंगे 4 लेवल वाले वेस्ट के बंदे के साथ। तो नीचे के साइड को यहाँ पास बंदा दिखता है बट इसको हम लोग यहाँ पास इग्नोर मारते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्योंकि अभी और भी बंदे लाए हुए जिनको हम लोग यहाँ पास मारना है। बातों में यहाँ पास हम लोग गाड़ी लेके थोड़ा सा और आगे निकलते हैं और यहाँ पास एक बंदा ना जस्ट लैंडिंग करता है जो कि लड़की होती है, पता नहीं क्यों वापस यहाँ पास लैंडिंग करती है। तो इस लड़की को यहाँ पास मार के फिनिश कर देते हैं और यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं। तो अब हम लोग को थोड़ा सा और आगे निकलना पड़ेगा जहाँ पर और भी बंदे होंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पास लूट करके हम लोग यहाँ पास सीधा आगे निकल लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पास बाइक मिल जाती है और यहाँ पास हम रियलाइज करते हैं कि मेरे पास मीसा गाइटर है ही नहीं। तो ये दोनों बंदे मिलके हमको ऑलमोस्ट मार ही देते हैं लेकिन बच गए, पता नहीं इनको पता ही नहीं कि मेरे पास मीसा है कि नहीं है। तो इसलिए बंदे को हम लोग जैसे ही मार के फिनिश करते हैं और यहाँ पास नीचे की साइड एक और बंदा रहता है तो जल्दीबाजी यहाँ पास हील करते और हमको अभी भी रियलाइज नहीं होता कि मेरे पास मीसा नहीं है और हम सोच रहे कि मेरे पास मीसा है क्योंकि हम मीसा लाके खेले थे लास्ट गेम में। तो यहाँ पास थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जो कि अपना कैरेक्टर स्क्रिप्ट हम देख ही नहीं रहते। फिर हमको एक बार की रियलाइज होगा कि अरे भाई साहब मेरे पास तो मीसा है ही नहीं। और ये जो मूवमेंट है जहाँ पर मेरे को रियलाइज होता है कि अरे भाई साहब मेरे पास तो मीसा है नहीं क्योंकि बंदा मेरे को मार रहा है, उनको काफी डैमेज पड़ रहा है। फिर बंदे को यहाँ पास काफी डैमेज दे देते हैं और जल्दी से यहाँ पास हील करते हैं और जल्दी जल्दी पहले हील करेंगे फिर बंदे का बैंड बजाएंगे क्योंकि बंदा भाई यहाँ पास पीछे पड़ गया। देख सकते हो मेरा गाड़ी उड़ी सब जला दिया, वैसे अब गाड़ी का कोई काम है ही नहीं। तो यहाँ पास बंदे को काफी ओपी सा वैसे डैमेज पड़ता है और भाई डैमेज देखी जाए तो कितना ज्यादा पड़ा है। तो हम सीधा बंदे पर रश करते हैं और उतने में बंदा यहाँ पास रिवाइव हो ही जाएगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पास दौड़ के जा रहे बंदे को मारने के लिए। यहाँ पर हम लोग M10 लेते हैं, सीधा बंदे पर रश करते हैं। बंदे यहाँ पास मेडिकेट लगा रहा था, इसको पता भी नहीं कि हम ऊपर से आने वाले हैं। तो यहाँ पास बंदे को मार के फिनिश कर देते हैं, 5 किल ऑलरेडी हो चुका है और मेरे अलावा यहाँ पास 16 बंदे और लगे हैं। तो चलो फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखो नॉर्मली हम पीक के साइड से जा रहे थे, हमको ऐसा कुछ नहीं लगा कि यहाँ पास से बंदा निकलेगा बट अचानक से एक बंदा मेरे पीछे आ जाता है जो कि वो काफी डैमेज देता है। इसलिए बंदे को हम लोग यहाँ पास ऑलमोस्ट सोनिया बना देते हैं और ये वाला बंदा यहाँ पास अपना MP5 या फिर जो भी गन है इसके पास वो रिलोड करके मेरे को मारा था। अचानक से ना मेरे को सेंटोनियो का आवाज आता है तो पीछे की साइड एक बंदा आ जाता है जो कि हमको मार ही देता ऑलमोस्ट। वो तो सही टाइम हम कवर में आ गए, वो तो अच्छा हुआ वरना फिर भाई अभी यहाँ पास ऑलमोस्ट खत्म ही थे। तो ये बंदा को मारने के लिए आता है, बंदे को मार के फिनिश कर देते और ये बंदा ऊपर से नीचे आता तो अब यहाँ पास नीचे से वापस ऊपर चला गया और हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते क्योंकि अभी देख सकते अभी भी भाई और बंदे लाइव है। तो तुम्हारा भाई यहाँ पर से आ चुका और मेरा दो बंदे लाइव है अभी भी देख सकते हो। 9 किल मेरा ऑलरेडी हो चुका है जिसमें से हमको एक बंदा को तो ऑलमोस्ट मारना ही पड़ेगा और यहाँ पर जैसे एक बंदा मरता हम सीधा बंदे पे रश करते हैं और यहाँ पास भाई वो जो क्या बोलते हैं वाल तोड़ने वाला जो है ना जिससे उस बंदे को 30 का डैमेज पड़ता है और उसके बाद यहाँ पास M10 से मार के फिनिश कर देते हैं। जब हम इस वाले बंदे को मारे थे तो ये बंदा यहाँ पास हील कर रहा था तो इस वाले बंदे को हम जैसे ही मारे उसका रिएक्शन कुछ इस तरीके का था। बाकी गेम के बाद हम लोग यहाँ पास M10 में 100 का प्लस मिल गया। अब गाइस देखो ये वाले लॉबी में लोग काफी खतरनाक से गेम प्ले किए, ठीक है मेरा 5 किल था और अभी यहाँ पर से 2 बंदे इलाय में बट यहाँ पर से गेम कैसे चेंज होगा वो देखना, ठीक है। मतलब आप नॉर्मल गन स्किन से ना आजकल ईवो वाले को मार भी नहीं पाओगे। यहाँ पर से एक गोली मारे बंदे का वेस्ट टूटा, ठीक है। फिर ओडिन से यूज करके बंदे का थोड़ा सा खून चूसे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से नीचे की साइड भाग रहे हैं और यहाँ पर देखो जंप करते हैं और ये जो बंदा है ना मतलब दूसरे की साइड जाके ना नेट फेंक रहा था मेरे पे। तो हम यहाँ पर से मोशन पकड़ते हैं और सीधा बंदे को मारने के लिए निकलते हैं। ये बंदा यहाँ पर से तस्वीर लगा के निकल जाता और यहाँ पर से भाग जाता है हील करने के लिए। तो हम भी यहाँ पर से उतरते और यहाँ पर हमको ना थोड़ा सा सेफ खेलना चाहिए था, हम थोड़ा सा ना रिस्क लेके खेले और यहाँ पर ये बंदा को यहाँ पर से मार के फिनिश कर दिया। ये वाला कि हम लोग हार गए, ठीक है बट कोई बात नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं कितना प्लस मिलेगा। तो हम लोग को मिलता है M10 में यहाँ पर से 100 का प्लस।
अब जो हमारा तीसरा गेम होता है यहाँ पर हम लोग गाड़ी चलाते हैं। मेरा 5 की तो मेल आवा, यहाँ पास टोटल 5 बंदे अलाइव थे। सब कुछ अच्छा चला था, गाड़ी भी एकदम अच्छे तरीके से चला रहे थे। गेम जीतने का चांस मेरा बहुत ही ज्यादा था, बट यहाँ पास सीन क्या होगा वो देखना। ठीक है, तो हम लोग गाड़ी लेके नॉर्मली जा रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा आगे की साइड जा रहे हैं। ये वाला बंदा यहाँ पर से लॉन्च पैड यूज करके जा रहा है और ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो इस वाले बंदे को हम लोग थोड़ा बहुत डैमेज दे देते हैं। ठीक है, डैमेज देने के बाद हम लोग जल्दी से गाड़ी पकड़ते, क्योंकि बंदा ऊपर से नीचे गिरा है तो उसको डैमेज होगा और ऊपर से वो बंदा हीलिंग भी स्टार्ट कर देगा तो जल्दी से बंदे को मारेंगे। ये बंदा यहाँ पर से कवर में चला जाता है और मेरा एचपी थोड़ा डाउन होता है, उसको हम अभी जस्ट रियलाइज किए। और यहाँ पर से बंदे को भाई एक गोली पड़ता है, ठीक है, और मेरा एचपी यहाँ पर से पूरा फुल भी हो गया। यहाँ पर से आते हैं बंदे को यहाँ पर से और शॉट मारते हैं, मतलब इतना शॉट में तो कम से कम बंदे का एचपी आधा लो हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर से आते हैं और एक शॉट मार देते हैं। ये बंदा यहाँ पर से डिमिट्री ऑन कर लेता है, ठीक है, यहाँ पर जाके हम बंदे को और डैमेज देने का ट्राई करते हैं, बट ये बंदा हमको मार देता है, हम इसको मार ही नहीं पाते, मतलब इतना डैमेज दिए फिर भी बंदा नहीं मारा। उसका एचपी देखो कितना ज्यादा बाकी है, बट क्या ही कर सकते, इस वाले गेम में जैसे हम लोग यहाँ पास 100 का प्लस मिलता है जो कि भाई ज्यादा ही है। अब इस वाले गेम में देखो मेरा 10 किल है तो मेरा यहाँ पास 2 बंदे अलाइव रहते हैं। सबसे पहले मेरे पास फ्लैश फ्रीज होता है, ये हम फेंक देते हैं 2 ठोक और एक बंदे को डैमेज पड़ना स्टार्ट हो जाता है। फ्लैश फ्रीज लगने के बाद बंदे को ऐसा लगता है कि उसके चड्डी के अंदर आइस क्यूब्स डाल दिए, उसके तरह से वो बंदा नाचना स्टार्ट कर देता है। बाकी ये बंदा मेरे को मारने के लिए आ रहा था, इसको एक गोली मारते हैं तो ये बंदा यहाँ पास शांति से बैठ जाता है। अब लास्ट जोन था ना तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि बंदे को मारे तो मारे कैसे, ठीक है, तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं यहाँ पर जो कि मेरे अंदर है नहीं, बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी अपना दिमाग लगाने का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ग्रेनेड कुक करते हैं, ग्रेनेड कुक करके बंदे के बीच में फेंकते हैं और उसमें से एक बंदे को डैमेज पड़ता है। जल्दी से ग्लू बॉल लगा लेते हैं और जो लेफ्ट वाला बंदा है भाई वो बंदा मेरे पे रश करने ट्राई कर रहा था तो ग्रेनेड फेंक के जो राइट वाला बंदा रहता है उसको बंदे के ऊपर दौड़वा देते हैं और ये दोनों बंदे आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये लोग लड़ते हैं तो हम यहाँ पास आ जाते हैं रश करने के लिए और इस बंदे को 2 से 3 शॉट मारते हैं, बंदा नॉक हो जाता है। नॉक होने के बाद बंदे को हेडशॉट से मार देते हैं और 11 किल के साथ ये वाला जो गेम होता है हम लोग कर लेते हैं बोया और देख लेते हैं अब कितना प्लस मिलेगा इस वाले गेम के अंदर से। तो यहाँ पर हम लोग आज के और गाइस इस वाले गेम में हम लोग यहाँ पास मिलता है टोटल 100 का प्लस। इस वाले गेम में मेरा 5 किल तो और मेरे अलावा 3 बंदे और अलाइव थे, ठीक है। और यहाँ पर से देखो अभी होगा क्या, सबसे पहले भाई जितने बंदे थे उसमें से एक बंदा और मर जाता है, तो अब यहाँ पर से 1 vs 2 का सिचुएशन था। सामने की साइड जो बंदा था वो भाई मेरा वाल तोड़ रहा था और मेरे पास ज़्यादा वाल भी नहीं बची है क्योंकि हम जोन से आ रहे थे, तो ये दोनों बंदे मिलकर उनको काफ़ी और डैमेज दे रहे थे। हम लोग जैसे तैसे करके बचे हैं 7 की HP में, तो यहाँ पर से हम भागने का ट्राई किया, ये बंदा यहाँ पर से मेरा पूरा वाल वेस्ट करवा दिया है। अब यहाँ पर से एक वाल बचा है ऐसे मेरे पास, अभी हमको देखना पड़ा है क्योंकि उधर का जो स्क्रीन है वो मेरे को नहीं दिख रहा है क्योंकि हमको पूरा गेम प्ले आपको दिखाना था, मतलब फुल स्क्रीन में, तो बस इसलिए हम उधर का काट दिए। तो सामने की साइड जो बंदा रहता है उसको हम लोग मारने का ट्राई करते हैं और यहाँ पर हमको एक वाल मिलता है, हम सीधा थोड़ा सा आगे निकलने का ट्राई करते हैं, हम सही टाइम पर हम यूज़ करते हैं। ये वाला बंदे को हम लोग यहाँ पर से मार के फिनिश कर देते हैं और उतने में वो बंदा यहाँ पास थर्ड पार्टी करना स्टार्ट कर देता है। इस वाले बंदे को हम हेडशॉट मारने का ट्राई करते हैं लेकिन वो बंदा यहाँ पास बॉडी बॉडी मार के फिनिश कर देता है। मेरे पास लेवल 2 की वेस्ट थी इसलिए बंदे को हम नहीं मार पाए, वरना कब का मार के फिनिश कर देते हैं। और ये वाले गेम की तरह से हम लोग को मिलते हैं M10 में 100 का प्लस जो कि भाई काफ़ी अच्छी सी बात है। और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं इस वाले गेम के अंदर से जहाँ पर मेरा 9 किल है तो मेला हुआ, यहाँ पास अभी 5 बंदे और ही लाइव रहते हैं, तो यहाँ पास हम लोग अपनी गाड़ी पकड़े हुए हैं, ठीक है, और एकदम सही टाइम पे सब कुछ करना पड़ेगा वरना फिर लास्ट वाले गेम हम लोग जैसे मरे उस बार वापस मरना पड़ेगा। तो अपनी जो गाड़ी लेके हम इधर एकदम इज्जत से घुमा रहे हैं गाड़ी को और भाई क्या ही ओपी अंदाज में ऊपर से नीचे को गाड़ी को कूदाए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पास गाड़ी लेके जा रहे थे और भाई एक बंदा ना मेरा गाड़ी फोड़ रहा था जो कि देख सकते हो ये वाला बंदा, तो इसको भी अभी हम लोग बताएंगे। बस थोड़ा सा सबर रखना है अपने को और उसके बाद गेम को कैसे बोया निकालते वो देखना। हम लोग यहाँ पर से गाड़ी घुमा रहे हैं क्योंकि लड़की तो हम लोग घुमा नहीं सकते। चलो कोई ना भाई, ऑफ टॉपिक हो गया, ये नहीं बोलना था अपने को, स्क्रिप्ट के बाहर का चीज़ है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग आ चुके और ये जो बंदा है इसको हम लोग गाड़ी से उड़ाते हैं, ये वाला बंदा दूर जाके गिरता है। तो चलो फिर बंदे को मारना स्टार्ट करते हैं, ग्लू वॉल लगा लेते हैं क्योंकि भाई लेफ्ट राइट दोनों साइड बंदा है और हमको अचानक से ना राइट साइड से डैमेज पड़ेगा। आप लोग देखना अभी इस वाला बंदे को यहाँ पर डैमेज दिए और अचानक से मेरे को राइट साइड से डैमेज पड़ता है, तो वो तो बंदा मर गया। अब जो एक बंदा जो कि वो डैमेज दे रहा अभी उसको बताते हैं। और भाई अचानक से साला आईडी यूज़ कर लिया, मेरे को ना यहाँ से डर लगने लगा कि भाई ये बंदा कहीं हमको मार ना दे, बट उसके बाद ना इसके साथ जो होता है ना आप लोग देख के शॉक्ड जाओगे, ठीक है। तुम लोग को ये चीज़ तो पता है तुम्हारा भाई मशीन गन कितना खतरनाक चलाता है। भाई बंदा बाहर की साइड निकला, भाई इसका खोपड़ा फोड़ दिया और यहाँ पास 11 किल हो चुका है। एक और बंदा यहीं पर बैठा रहता है, इसको भी हम लोग यहाँ पास वेस्ट तोड़ के मारते हैं और बंदे का वेस्ट 2 बार फटता है बट बंदा मर जाता है और ये वाला गेम को कर लेते हैं बोया। और हम लोग का टाइम आ चुका है, अब हम लोग यहाँ पास फाइनल स्कोर देखे कि हम लोग इस वाले गेम के अंदर से कितना प्लस किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके और 100 का प्लस मिल चुका है और यहाँ पर हम लोग फाइनल स्कोर देखने के लिए भी आ गए हैं। बाकी इस सीरीज में जैसा रिस्पांस मिलेगा हम उस हिसाब से वीडियो डालेंगे, अगर अच्छा मिलेगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम लोग वापस से वो सर्वर पर चले जाएंगे क्योंकि आप लोग बोल रहे हो वो सर्वर पर जाकर रैंक पुश करने के लिए। बाकी हम लोग का टोटल स्कोर यहाँ पास 3184 ही हुआ है जो कि बहुत कम है, बट हम लोग धीरे धीरे पुश करने का ट्राई करते हैं। अगर वीडियो पे रिस्पांस अच्छा हुआ तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वरना फिर हम लोग इसको लीव कर देंगे, ठीक है। बाकी वीडियो चली तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल।